लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके लिए बड़ी खबर है, राजनीति गलियारे से खबर है और आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपकी नजर टिकी हुई है गिरिराज सिंह पर कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो सिटी पोस्ट पहले ही बता चुका है कि गिरिराज सिंह मान गए हैं चुनाव लड़ेंगे और सिटी पोस्ट लाइव ने गिरिराज सिंह को पटना में पकड़ लिया जहां पर वो छिपे हुए थे, अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे, उनके साथ रणनीति बना रहे थे। जी हाँ, पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी में अपने एक दोस्त के घर, अपने एक यार के घर गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ। वहां पर पूरा भोज भात की तैयारी है और गिरिराज सिंह ने सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत में ये खुलासा किया है कि उनका मकसद राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ना है। जी हाँ, बेगूसराय के चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम वामपंथ बना देना चाहते हैं। एक तरफ वामपंथी नेता कन्हैया कुमार है, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह है जो बीजेपी के हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो गिरिराज सिंह की कोशिश ये है कि ये लड़ाई कन्हैया बनाम गिरिराज न बने, ये लड़ाई बन जाए राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोही। यानी जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, जो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, जो नरेंद्र मोदी की मुखालफत करते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध में खड़े होते हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं। और जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक के साथ खड़े हैं, वो राष्ट्रवादी हैं। तो गिरिराज सिंह राष्ट्रवाद को अपना सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनाना चाहते हैं और उन्होंने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई कन्हैया कुमार से कहाँ है। उनकी लड़ाई तो विचारधारा की है, राष्ट्रवाद की है और ये उनकी लड़ाई नहीं है बल्कि बेगूसराय की जनता की लड़ाई है और ये जीत और हार दोनों बेगूसराय की जनता की होगी। तो गिरिराज सिंह ने साफ ऐलान कर दिया है कि इस चुनाव में न वो जीतने आए हैं और न हारने आए हैं। जीत होगी तो बेगूसराय की जनता की होगी और हार होगी तो जनता की होगी। यानी ये लड़ाई किसी कीमत पर कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज नहीं होना चाहिए क्योंकि कन्हैया कुमार जेएनयू के पूरे पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और ताल ठोक रहे हैं पिछले दो महीने से और अब गिरिराज सिंह को पार्टी ने वहां से उनके खिलाफ उतार दिया है मैदान में। हालांकि वामपंथी दलों के साथ महागठबंधन का कोई तालमेल नहीं है, महागठबंधन से वामपंथी दल बाहर है। यानी गिरिराज सिंह के खिलाफ जो उम्मीदवार है कन्हैया कुमार, उसको लालू यादव का साथ नहीं मिल रहा है, उसको कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा है, वो अकेला है, अलग थलग पड़ा हुआ है और इसी का फायदा गिरिराज सिंह उठाना चाहते हैं। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई तो बिल्कुल आरजेडी कांग्रेस से है, उनकी लड़ाई तो किसी व्यक्ति विशेष से है ही नहीं। यानी वो कन्हैया कुमार को नजरअंदाज कर सीधा सीधी लड़ाई आरजेडी यानी महागठबंधन बनाम बीजेपी की लड़ाई बनाना चाहते हैं। अब देखिए इसमें कितनी सफलता मिलेगी क्योंकि काफी मान मनोबल के बाद गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। उनकी नवादा सीट एलजेपी के खाते में चली गई है, उसको लेकर काफी दुखी थे, बहुत आहत थे और सिटी पोस्ट लाइव के जरिए सबसे पहले उन्होंने अपने दर्द को बयान किया था और कहा था कि अगर उनको भरोसे में लेकर एलजेपी के खाते में सीट दी जाती और कहा जाता है कि बेगूसराय की सीट केवल आप ही निकाल सकते हैं तो उन्हें लगता कि उन पर पार्टी भरोसा करती है, उनमें दमखम है। लेकिन जिस तरह से बगैर उनको भरोसा मिली उनकी सीट एलजेपी के कोटे में दे दी गई, उनको बिना बताए उनको बेगूसराय भेज दिया गया, उससे वो काफी आहत और दुखी हैं। लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद उनके सारे गिलवे सिकवे दूर हो चुके हैं। अब गिरिराज सिंह किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीतने की तैयारी में जुटे। गिरिराज सिंह की ये रणनीति आपको पसंद आए, अगर उनके इस दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आप सिटी पोस्ट की ताजा तरीन खबरों से हमेशा रूबरू होते रहेंगे। नमस्कार।